Hey guys, welcome back to Iconic Sands. Guys, रॉकेट तो सबको पसंद आता है। बचपन से आज तक हमने बहुत सारे रॉकेट उड़ाए हैं। जो रॉकेट हम घर में खुद ट्राई करें और उसको फिर उड़ाए तो उसमें जो मजा आता है वो मार्केट में मिलने वाला किसी भी रॉकेट में नहीं आता। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम सिंपल जो शुगर मिलता है ना, तो उस शुगर मतलब जो चीनी है उसकी मदद से एक शुगर रॉकेट बनाएंगे और उसको हम टेस्ट करेंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम इसको ही ट्राई करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहले हमें चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कुछ शुगर ले चुके हैं और इसको हमने अब मिक्सी के अंदर बारी बारी से पीस लेते हैं। इसके बाद दोस्त हमने इसके अंदर थोड़ा सा पोटेशियम नाइट्रेट देंगे और इसको हमने डस्ट कर लेंगे। गाइस आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से डस्ट हो चुका है। इसके बाद हमने इसके अंदर शुगर देंगे और इसको भी हमने डस्ट कर लेंगे। गाइस आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन दोनों को एक साथ कभी भी नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि गाइस अगर हमने एक साथ इन दोनों को ग्राइंड किया तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है। अब दोस्त हमने यहाँ पे रॉकेट फ्यूल बनाएंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 65 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट और 35 ग्राम शुगर ऐड करेंगे और इन दोनों मिक्स को एक साथ बारी बारी से आराम से मिक्स कर लेंगे। अब जितने आराम से इसको मिलाओगे उतना ज़्यादा हमारा जो फ्यूल है उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। सो गाइस इसी के साथ हमारा जो रॉकेट फ्यूल है बन चुका है। अब इसको थोड़ा बहुत जला के टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो रॉकेट फ्यूल है काम करेगा या फिर नहीं करेगा इसका भी पता चल जाएगा। सो गाइस आपने देखा ये बहुत अच्छे से जला, हमने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि इतना अच्छे से ये जलेगा। तो गाइस आप बारी है रॉकेट की जो बॉडी है इसको बनाने की। सो फ्रेंड्स इसके लिए हमने 3x4 इंच के हिसाब से एक पीवीसी पाइप के टुकड़े लिया और इसको हमने 5 इंच के हिसाब से मार्क किया और इन मार्क को हमने काट लिया। सो गाइस अब बारी है रॉकेट की नज़ल बनाने की, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्ले यानी मुल्तानी मिट्टी ले लिया है। ये आपको नियरेस्ट कोई भी स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। सो गाइस इसको भी हमने मिक्स के अंदर आराम से पीस लेंगे। अब गाइस हमारे जो पीवीसी पाइप के टुकड़े हैं इसको हमने ज़मीन पे रखेंगे और इसके ऊपर हमने फाइनल की मदद से कुछ चम्मच हमारा जो क्ले है इसको हम डालेंगे और फ्रेंड्स हमारा जो लकड़ी है इसकी सहायता से इसको हम ठोकेंगे। अगर आपका जो क्ले है ये ज़्यादा हो जाता है तो इस तरीके से एक्स्ट्रा वाला जो क्ले है इसको हम निकाल देंगे। इसके बाद गाइस इसके अंदर हमने पोटेशियम नाइट्रेट और जो हमारा शुगर था इसका मिक्स देंगे और इसको भी हमने जितना हो सके उतना भी ठोक देंगे। इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा क्ले देंगे और इसको भी हमने ठोकेंगे। तो इसी के साथ ये कम्प्लीट हो चुका है। अब बारी है इसका नजल बनाने का और फ्रेंड्स हमने इसके लिए 5.6 mm का जो ड्रिल बिट है इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको हमने हाथ से तब तक होल करेंगे जब तक ये ना रॉकेट फ्यूल का इन तक पहुंच जाए। अब गाइस बारी है इसके पीछे एक स्टेबिलाइजर ऐड करने का, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो रॉकेट है सीधा आसमान में उड़ जाएगा। इसके लिए हमने इस तरीके से एक लकड़ी लेंगे और इसको हमने ब्लैक टेप की मदद से इसके साथ अटैच कर देंगे। सो फ्रेंड्स हमारा जो शुगर रॉकेट है कम्प्लीट हो चुका है। अब बारी है इसको टेस्ट करने का। गाइस यहाँ पे हमने एक सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया है और इसको हमने खुद बनाया है, तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। सब फ्रेंड्स हमने देखा बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। और गाइस इसको ट्राई करने के लिए आपके इस शुगर के साथ एक पोटेशियम नाइट्रेट भी चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी देकर रखे हैं। सो गाइस अगर आप इसको घर में ट्राई करना चाहते हो तो आप वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और घर में ट्राई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।